अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं अपने वीडियो में बहुत ही अहम चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ और वो है बेसिकली टूल साइजेस। जितने भी एविएशन में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं और वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब आ रहे होते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो उनको टूल्स जो है ना, उनकी हैंडलिंग, उनके साइज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यानी उनके साइजेस क्या होते हैं, तो चाहे वो स्पैनर्स हो, चाहे वो सॉकेट्स हो, वट एवर जो भी हो, तो हमेशा एविएशन टूल्स की अगर बात की जाती है तो साइजेस की बात की जाती है तो वो सारे इंचेस में होते हैं। तो मैंने बेसिकली एक फॉर्मूला ड्राइव करूँगा और आपको समझाऊंगा कि साइजेस किस तरह से चलते हैं और कौन सा साइज छोटा होता है और कौन सा साइज बड़ा होता है। लेट्स से मैंने एक चीज़ समझाने के लिए बोर्ड पर लिखी है कि साइज बनाने के लिए कि मैंने स्टार्ट किया 116 to 1616 तक। तो ये हमारे जब भी हम एविएशन में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आएंगे तो आपके पास टूल से वास्ता पड़ेगा, स्पैनर से, सॉकेट से, और बहुत सारी चीज़ें से, उनके ऊपर साइज मेंशन होते हैं। मगर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा साइज़ बड़ा है, कौन सा साइज़ छोटा है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अच्छा, अब जो मैंने लिखा है सारे 12, 16, 7, 16, 1, 16 जो मैंने नंबरिंग की है, बेसिकली क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे टू से। अब 1/16 टू से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सबसे पहला हमें साइज हुआ 116, ठीक है, ये इंचेस में होता है, 116 पहला साइज मिला। दूसरा जो है वो टू के टेबल से डिवाइड हुआ, 2 1 2 2 8 16, तो फर्दर ये टू से डिवाइड नहीं होगा तो हमें दूसरा साइज कौन सा मिला, 18, ठीक है सर। तीसरा जो हमें 316 है, 316 अभी टू के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता तो डायरेक्टली ये लिखा जाएगा 360, ये हमें तीसरा साइज मिला। चौथा जो है 416, 416 बेसिकली टू से डिवाइड हो सकता है सिंपली, 2 2 4 2 8 16, फर्दर भी डिवाइड हो सकता है 2 1 2 2 4 8, तो हमें एक और साइज मिला, कौन सा मिला, 1 4, ठीक है। 15 16 भी टू के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सेम एज इट इज ये 15 16 साइज आ गया हमारे पास। अब आते हैं 16 16 पे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फर्दर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या साइज मिला, 3 8, जो बड़ा कॉमनली यूज होता है। फिर 7 16 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इसी तरह आ जाएगा, एक और साइज हमें मिल गया, ये सारे इंचेस में। फिर 8 16 बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 8 16 फर्दर डिवाइड होगा, 2 2 4 2 4 8 फर्दर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो क्या साइज मिला हमें, हाफ इंच, ठीक है। फिर आया 9 16 9 16, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, सिंपली 9 16 लिखा जाएगा, ठीक है। 10 16 बिल्कुल हो सकता है, 2 5 10, 2 8 16, और 5 8 डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता तो हमें एक और साइज मिला, 5 8 इंचेस। अब 11 16 टू से डिवाइड नहीं हो सकता, सेम एज इट इज 11 16 आ जाएगा, ये हमें एक और साइज मिल गया इंचेस में। फिर 12 16 है, 12 बिल्कुल आ रहा है टू के टेबल में, 2 6 12 8 16, फर्दर डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 3 6, 2 4 8, कौन सा साइज मिला, 3 4, एक और साइज मिल गया हमें। फिर आया 13 16, 13 16 में 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 13 16 भी हमें एक और साइज मिल गया। फिर 14 16 बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 7 14, 2 8 16, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 7 और 8, तो ये 7 8 आ गया, एक और साइज मिला हमें। 15 16 नहीं हो सकता 2 के टेबल से डिवाइड, तो 15 16 एज इट इज आ जाएगा। 16 16 16 1 16 16 1 16, तो हमें ये साइज मिल गया 1 इंच। तो क्यों हमें कौन कौन से साइजेस मिले, हमें साइजेस मिले 160 फ्रॉम स्टार्टिंग, दूसरा साइज हमें मिला 1 8, तीसरा मिला 3 16, चौथा मिला क्वार्टर 1 4, पांचवा मिला हमें 5 16, छठा जो हमें मिला 3 8, सातवां मिला 7 16, आठवां जो मिला हमारे पास हाफ,
फिर उसके बाद हाफ के बाद 916 एज इट इज, ये भी साइज मिल गया। फिर हमें साइज मिला 58, फिर हमें साइज मिला 1116, फिर हमें साइज मिला 34, फिर हमें साइज मिला 1316, फिर साइज मिला 78, फिर हमें मिला 1516, फिर मिला हमें 1H। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो एविएशन की टूल्स की जो मैंने बात की वो साइजेस हमें मिल गए। कितने मिल गए? 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 inch। तो ये बेसिकली आपको इंचेस में, चाहे आप स्पैनर यूज करें चाहे आप सॉकेट यूज करें, ये साइजेस आपके पास टूल्स में होते हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये साइजेस के साइजेस किस तरह होते हैं और ये किस तरह इनकी पहचान होती है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और ये बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू था और उन लोगों के लिए जिन्होंने टूल्स अभी इस्तेमाल करने हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।